मीडिया में एक पॉपुलर बयानिया बन चुका हुआ है कि आसिफ अली जरदारी को आमदा इंतखाबात में हुकूमत दी जाएगी। ये तो मीडिया में बैठे हुए एंकर का ख्याल है और बयानिया है। अवाम इस बारे में क्या सोचती है, आइए जानते हैं। आसिफ जरदारी और इमरान खान में से आप किसे चूज करेंगे? कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, आप भी चाहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत आनी चाहिए? नहीं जी, आसिफ जरदारी की हुकूमत आई तो आप उसे मानेंगे? नाम नहीं मानेगा वो। नहीं, वो सच्चे नहीं है ना, वो चोर है ना, चोरों का टोला है ना, सब चोर है ना। ये सब मिले हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें पाकिस्तान लूट गए भाग जाना है। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत है भाई? देखो, अच्छा कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आ रही है, क्या आप चाहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत आनी चाहिए? जी सर, ये कई टाइम से ये लोगों की हुकूमत आती जाती है, लेकिन सनमिन की हुकूमत है क्या कि इन लोगों ने सिवाए गरीबों को परेशान करने के, कभी किस नाम से कभी किस नाम से। और जो सही हुकूमत इस मुल्क को, सही हुकूमत की ईमानदार हुकूमत की ज़रूरत है। इन लोगों ने कई बार तब्दीली की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका। आपके ख्याल में ईमानदार कौन है? यार वैसे तो देखा जाए सभी की जैसे है, लेकिन इस वक्त जो है ना सब देखे तो इमरान खान बंदा अच्छा था खुद, बाकी उनके साथ वजीर जो भी थे वो जैसे भी थे, लेकिन इमरान खान खुद बंदा अच्छे है। आप अभी भी चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें गैरती लीडर की ज़रूरत है और आना चाहिए उस। कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, आप भी चाहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत आनी चाहिए? नहीं जी, इमरान खान होना चाहिए। आसिफ जरदारी क्यों नहीं? इमरान खान अच्छा लीडर है ना, उसके लिए अच्छा है ना, वो हमारे लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचते हैं ना। कहाँ से? मैं तो इधर ये रावलपिंडी टॉप नूर से हूँ। कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी की हुकूमत आ रही है, क्या आप भी चाहते हैं आसिफ जरदारी की हुकूमत आनी चाहिए? नहीं सर, मैं तो आसिफ जरदारी की हुकूमत से खुश नहीं हूँ। और तो चाहते हैं किसकी हुकूमत आनी चाहिए? हुकूमत तो इस्लामी होनी चाहिए, इस्लामी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मैं तो भाई साहब यही कहूँगा कि अव्वल हाकिमियत अल्लाह ताला की होनी चाहिए, इसके बाद मजाजी तौर पर अगर एक अच्छा हुक्मरान सैयद सलाहुद्दीन अयूबी की तरह या अब्दुर्रहमान अव्वल या अब्दुर्रहमान अस्सालिस की तरह आ जाए, जिस तरह ये 67 सालों में जिस तरह सेलिब्रेशन ये मनाया कि हमने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान में न बिजली है न गैस है न गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ दिया गया है, तो ये नाकाम और रिजेक्ट किया हुआ हुकूमत है हम मानने की। आसिफ जरदारी और इमरान खान में से आप किसे चूज़ करेंगे? इमरान खान इज़ द बेस्ट लीडर ऑफ द आलम इस्लाम, जिस तरह आलम इस्लाम का एक हीरो है ये इमरान खान है, लेकिन ये लोग इमरान खान को नहीं चाहते हैं। जिस तरह वजा अल हक वजहक अल बातुल इन्नल बातुल कान ज़हूका, ये इसके मुतरादिफ होगा और इमरान खान अगर आ भी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा आवाम के लिए। कहाँ से हो आप भाई? बाजोड़ वाले हो जी। कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर हुकूमत करेंगे, क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं? हम तो इस तरह नहीं जानते चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मुल्क के लिए सही होते हैं, कौम के लिए सही होते हैं, हम हमारे लिए वो चाहिए। जिस तरह लोग कह रहे हैं इमरान खान सही होते हैं, इमरान खान सही होते, जो सही होते तो वो लीडर सही होते हैं हमारे लिए। आपकी नज़र में सही कौन है? मेरे नज़र में तो सही एक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही इमरान खान है। इमरान खान सही है? इमरान खान। तो आसिफ जरदारी की हुकूमत आई तो आप उसे मानेंगे? नाम नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो लोग भी कहते हैं कि वो चोर है, सब हुकमरान भी कहते कि चोर है। ठीक है, एक और भाई भी हमारे साथ जहाँ पर मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। भाई कहाँ जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, आप क्या महसूस कर रहे हो? वो हम नहीं मानते हैं, वो नहीं आएगा इंशाल्लाह, पूरी ज़िंदगी में उसको हुकूमत नहीं आएगा। वो खत्म कह रहे हैं कि इमरान खान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। नहीं होगा, वो बहुत लोग है ना, बाकी बहुत लोग है ना, लोटे नहीं होते, हर बंदा इमरान खान के साथ है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ। आसिफ जरदारी कहते हैं मैं सच्चा और खरा पाकिस्तानी हूँ, आप क्यों नहीं मानते हो? नहीं, वो सच्चे नहीं है ना, वो चोर है ना, चोरों का टोला है ना, सब चोर है ना। इसलिए यानी कि आप एक आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मैं आसिफ जरदारी की हुकूमत को नहीं मानूंगा? बस हर बंदा कह रहे हैं ना, हम आम पाकिस्तानी जो भी है ना, सारा कहते हैं कि हम ये नहीं मानते हैं ना। चलें यहाँ पर एक और भाई बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, इनसे जानते हैं ये कहाँ से और क्या चाहते हैं। भाई कहाँ से हो आप? देर से जी, देर से। अच्छा कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, आप क्या कहना चाहोगे? सही है हमारा जो भी है सही है। आपके नज़दीक आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान में से बेहतर कौन है? इमरान खान। आप क्या चाहते हो, इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए या आसिफ अली जरदारी की? इमरान खान की। पक्की बात है? पक्की बात है भाई यार, इसमें कच्चा बात नहीं है, पक्का बात। आसिफ जरदारी की हुकूमत आ गई तो फिर भी सही है? वो भी सही है। खान साहब क्या बेच रहे हो जी?
क्या बेच रहे हो? आम बेच रहे। आम कितने बेचे हैं आज? आज बेच रहे तकरीबन 2-3 हज़ार का। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, आप चाहते हो कि आसिफ जरदारी की हुकूमत आनी चाहिए? यार जो पाकिस्तान के लिए सही काम कर लेगा तो वो आ जाएगा तो सही है। पाकिस्तान के लिए सही काम कौन करता है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान में से? यार हम तो किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के लिए जो भी है, वो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, जो भी काम सही। आपका दिल क्या कहता है, दिल की आवाज़ क्या है? हम तो यार किसी को वोट नहीं दे रहे। किसी को नहीं दे रहे? तंगो बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? आप पाक पतन से, जिला पाक पतन शरीफ। पाक पतन से। अच्छा, आसिफ अली जरदारी की सुना है कि हुकूमत आ रही है, आप खुश हैं या परेशान हैं? नहीं नहीं खुश हैं। हाँ जी खुश। क्यों खुश हैं? नहीं, पीपल पार्टी गरीबों की पार्टी। अच्छा। हाँ जी गरीबों की पार्टी। तो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, इमरान खान तो तुम देखा है ना, जो कुछ उसने किया, इतना तो 75-70 साल में पहले नहीं हुआ जिसने। तो आप आसिफ अली जरदारी के मुंतजर हैं? हाँ जी, बिलावल भुट्टा को वोट देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं चाचू? तलगंग के। अरे क्या उम्र है आपकी? 58 साल। तलगंग के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, सियासत में भी दिलचस्पी लेते हैं। आप चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ जाए, क्योंकि ऐसी बातें चल रही? जदाई को बता जाए भाई, हमारा शहर की कोई तलग नहीं है, समझी रही गल? ठीक। आसिफ जरदारी और इमरान खान में से किस बंदे की हुकूमत आनी चाहिए? असर किसी ना कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने काम में नाल है, सिर्फ अपना काम का। अपना काम बस। आप क्या चाहते हैं भाई? इमरान खान। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बस तब्दीली और क्या। इस लोग कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी की हुकूमत आ रही, वो आएगी तो फिर देखा जाएगा। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, इमरान खान। अरे यहाँ पर एक अंकल है, नारियल बेच रहे हैं। अंकल कैसे आप? कहाँ के रहने वाले हैं? सवाद वादी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, क्या आप भी ऐसा चाहते? नहीं, मुश्किल है। आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? बस उसका वोट कम है ना, आपको पता है, उन्होंने 75 साल हुकूमत किया है, अभी लोग उनसे तक ही हुई। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, किसकी हुकूमत आए? हम चाहते हैं खान की आ जाए, इमरान खान की। अच्छा, यहाँ पर एक नौजवान खड़े हैं, आपका आईडी कार्ड होगा? होगा। कहाँ के रहने वाले हो? इधर का, पिंडी का ही हूँ। अच्छा, कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है और नून लीग की जो कैंपेन है वो नवाज शरीफ चलाएंगे, उसे हेड करेंगे। आप चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आए? वो तो चोर एंड डकैत है, उसने क्या किया है बताया? खान को उन्होंने एक चांस देना चाहिए ना। ठीक है, हमारा सोचता है, हमारे लिए बात करता है, ये सब लुटेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में क्या हाल किया हुआ है? ठीक है, ये सब मिले हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें पाकिस्तान लूट के भाग जाना है। दरअसल इलेक्शन हुए तो किसकी हुकूमत आनी चाहिए? मैं कहता हूँ इमरान खान की आनी चाहिए। नौजवान, आप क्या चाहते हो? सर, इमरान खान ही आएगा इंशाल्लाह। जरदारी को क्यों नहीं पसंद करते आप? जरदारी ये सब चोर हैं, इन्होंने मुल्क का अभी तक क्या किया है? नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, उनके बारे में क्या ख्याल है? चोर हैं, बाहर भाग जाते हैं, लूट के इधर से खजाना भरते हैं और बाहर। इमरान खान अभी तक इतनी मुश्किलों में इधर ही है, भागा नहीं है। आप चाहते हो कि इमरान खान की हुकूमत आए? बिल्कुल चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, कौन नहीं चाहता। भैया, सुना है कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं? यार अगर वो ट्राई करें तो अलग हुकम से तो ठीक कर सकते हैं, बताया ये इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने गरीब बंदे का जीना बहाल कर दिया। आसिफ जरदारी ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं, 80% चांसेस हैं। ये भाई कह रहे हैं कि कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का हुक्मरान बना देना चाहिए? बना देना चाहिए। आसिफ जरदारी पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं। और इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल? कुछ भी नहीं कह सकते इमरान खान के बारे में, कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल। कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी को हुकूमत दी जा रही है, आप मुतमईन हैं आसिफ जरदारी से? जी जी, क्यों नहीं जी, मैं समझते हो, इंशाल्लाह वो ही आएंगे, वही करेंगे। इमरान खान कोई चीज़ नहीं है, जो तोड़ बोड़ हुई है, जो कुछ हुआ है, इमरान खान का कसूर है, उनके इमरान खान के बंदों ने सब कुछ किया है, ये हमारी पाकिस्तान को ख़राब किया है। इंडिया वाले उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो हम 45 साल से नहीं कर सके, इन्होंने एक दिन में कर लिया सब कुछ। मैं इस चीज़ के लिए गुड हूँ, इमरान खान के लिए मैं नहीं हूँ। इमरान खान, इनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए और जरदारी या नवाज शरीफ की बेशक आ जाए। यहाँ पर हमारे एक और भाई बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं। भाई, कहा जा रहा है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है,
आप मुतमईन हैं आसफ जरदारी की हुकूमत आनी चाहिए? मेरा नहीं है, इमरान खान को आना चाहिए। भजन कहाँ से है आपका तल्लुक? फैसलाबाद से। अच्छा, राणा साहब के शहर से? जी जी। राणा सनाउल्लाह को पसंद करते हैं? नहीं। सुनने में आ रहा है कि आसफ अली जरदारी की हुकूमत आ रही है, तो आप आसफ अली जरदारी को सपोर्ट करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? वैसे ही मैं पसंद नहीं आ रही। आप क्या चाहते हैं, किसकी हुकूमत आनी चाहिए? इमरान खान की आनी चाहिए। बचा क्योंकि वो बहुत बेहतर है सबके जैसे। तो अगर आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो फिर देखेंगे फिर जो होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।